नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बहुत ही इजी सी यहाँ पर गजक की रेसिपी, जिसको कोई भी आसानी से बना लेगा और आसान सी ट्रिक के साथ बताऊँगी, जो क्रंची भी बनेगी और आप जितनी पतली चाहें उतनी पतली बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये गजक पसंद आए ना, तो लाइक शेयर करके कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। साथ ही रेसिपी को पूरा देखिए, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है, ये मार्केट से मंगाया हुआ तिल है। अगर घर पर हो तो आप उसको धुलकर अच्छे से छिलके वगैरह निकालकर सुखा लीजिए और उसके बाद उसकी ये गजक बनाइए। तो तिल को हम एक पैन में लेंगे, देरी ना करते हुए फटाफट रेसिपी बना लेते हैं अपनी। त्यौहार का टाइम चल रहा है तो किसी के पास समय नहीं है और मात्र 10 मिनट में तैयार होने वाली ये गजक बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर हम तिल को अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती है। इसको बढ़िया सा रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद धीमी धीमी आंच पर रोस्ट करते हुए इसे हमें पकाना है। तो लीजिए, कितनी बढ़िया सी ये हमारी रोस्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ दाने इसमें आपको ब्राउन दिखाई दे रहे होंगे और मैं आपको अंतर बता देती हूँ। देख लीजिए कितनी रोस्ट करनी है, ये रहा कच्चा तिल और ये रहा रोस्ट किया हुआ तिल, बस इतना ही रोस्ट कर लीजिए। फिर इस तिल को हम निकाल कर एक प्लेट में साइड में रख देंगे क्योंकि इसे हमें ठंडा करना है। इसको हमें गरम गरम एकदम से नहीं पीसना है। अगर आप इसको गरम पीस देंगे तो ये तेल छोड़ देगा, क्योंकि तिली बहुत ऑयली होती है। आपने सुना होगा कि तिल का तेल इस्तेमाल करते हैं लोग खाने पीने में। तो मैंने तिली को ठंडा कर लिया है और इसको मिक्सी के जार में डालकर पल्स मोड में मैं पीसूँगी। बस आप 2-3 मिनट के लिए हल्का हल्का इसको चलाकर पीस दीजिए, एकदम परफेक्ट पीस जाएगी। बहुत महीन पाउडर नहीं चाहिए हमें इसका, हमें इसका दरदरा सा पाउडर चाहिए कि कुछ तिली के दाने भी हमें उसमें दिखने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दरदरा सा पाउडर यहाँ पर बनाया है और इसमें अच्छी सी महक आ रही है। अब हम चाशनी बनाने के लिए एक लेंगे गहरी सी कढ़ाई। आप इसको या तो इस तरह से नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाइए या फिर आप इसको बनाएं एल्युमिनियम की मोटे तले की कढ़ाई में, क्योंकि यहाँ चाशनी जब हम बनाएंगे तो पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और मैंने थोड़ा सा घी एक बड़ी सी परात के पीछे के हिस्से में लगा दिया है। ये गजक जब बनकर तैयार होती है तो इसको गरम गरम ही फैलाया जाता है और हाथ से तो फैला नहीं सकते इतनी गरम, तो मैं यहाँ पर बेलन पर घी लगा रही हूँ। बेलन की सहायता से आप इसको जितना पतला चाहें उतना पतला बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट और क्रंची सी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर हमारा घी हो गया है मेल्ट। अब जिस कप से मैंने ली थी तिली, उसी कप से ले रही हूँ मैं चीनी, यानी कि यहाँ पर मैं बिल्कुल बराबर बराबर का मेजरमेंट रखती हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 1 कप तिली ली है तो 1 कप यहाँ पर चीनी लूँगी। मैंने 1.5 कप के लगभग तिल यहाँ पर लिया था सफ़ेद, तो यहाँ पर मैं 1.5 कप ही चीनी ले रही हूँ। पानी बिल्कुल नहीं जाएगा, इसको धीमी आंच पर हमें इसी तरह से पिघलाना है, जैसे आप कह सकते हैं कैरमल बनता है ना केक वगैरह के लिए, उसी तरह से इसको हमें बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इसी तरह से पिघलाते हुए बिल्कुल जे एक चाशनी वाले फॉर्म में ले आना है। और आप देखिएगा धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। इसको आप छोड़कर मत जाइए, 10 से 12 मिनट लगते हैं बनने में और आप इसको बराबर चलाते रहिए, क्योंकि अगर छोड़कर चले जाएंगे तो चाशनी भी हमारी बिगड़ जाएगी और गजक उतनी अच्छी बनकर तैयार नहीं होगी। आप देख रहे हैं चीनी हमारी धीरे धीरे घुलती जा रही है, कुछ अलग सा टेक्सचर होता जा रहा है इसका। यहाँ पर और ज़्यादा हो गई है 4 से 5 मिनट के बाद। इसी तरह से मैं इसको बराबर चलाती रहूँगी। आप कोशिश करें कि इसको लकड़ी के स्पैटुला से ही चलाएं, उससे गर्म का कम एहसास होता है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए अब मैं इसको जल्दी जल्दी चला रही हूँ, ये हमारी चीनी बढ़िया से घुल गई है, कैरमल की तरह बनकर तैयार हो गई है बिना पानी के, मात्र 1 चम्मच घी के साथ। जैसे ही यह हमारी चीनी बनकर तैयार हो जाती है, घुल जाती है अच्छे से, तो यहाँ पर मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ और उसके बाद डालती हूँ मैं 1/2 कप कोकोनट पाउडर। ड्राई कोकोनट मेरे पास था, मैंने उसी का लिया है और डाल देंगे हम
तिल जो हमने पीस कर रखे हैं मिक्सी के जार से, और इसको बढ़िया सा मिक्स करेंगे चलाते हुए। जल्दी जल्दी आप चलाते जाइए, आँच को बंद कर देना है बिल्कुल, हमें आँच में पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तिल पहले से ही पके हुए हैं अच्छे से। और इसको हम कपड़े से, आप कढ़ाई को पकड़िए और तुरंत जिस बर्तन में हमने घी लगाया था उस बर्तन में इसको आप फैला दीजिए। ये देखिए अभी ये बहुत गर्म है और मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी चम्मच की सहायता से कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको मोटा भी रख सकते हैं, पर ये जितनी पतली बनी होती है उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो लीजिए यहाँ पर बेलन की सहायता से, पहले मैंने चम्मच की सहायता से किया और अब मैं इसको बेलन की सहायता से अच्छे से कर दूँगी। किनारे का जो हिस्सा बच रहा है उसको मैं दूसरी थाली में रखती जा रही हूँ ताकि मैं उसको अलग से बेल सकूँ। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको एकदम पतला बेल कर तैयार कर लिया है और गरम जो बचा है थोड़ा सा उसको मैंने साइड में रख के उसको भी बेल लिया है अच्छे से। और इस तरह से मैं पिज्जा कटर से या चाकू से गरम में ही आप इसमें कट लगा दीजिए, जैसे भी जितने भी आकार के आपको चाहिए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ तो इस तरह से पिज्जा कटर से कट लगा रही हूँ, वरना मैं इसको एकदम पतला बेल देती हूँ किचन की स्लेब पर और उसको हाथों की सहायता से ही तोड़ लेते हैं। ये बहुत जल्दी टूट जाता है, काफ़ी सॉफ्ट सा बनता है। ये लीजिए मैंने बढ़िया से इसमें कट लगा दिए हैं और इसको थोड़ा सा मैं ठंडा हो जाने दूंगी। और ये दिखा देती हूँ मैं आपको, अभी ये देखिए गरम है तो गरम में ये खिंच रहा है और जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे एकदम सा क्रिंची होता जाएगा। ये देखिए दूसरा टुकड़ा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रख लिया है निकाल के, और आप इसको हाथों की सहायता से ही तोड़ते जाइए। देख लीजिए आप कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बनकर तैयार हो गई ना मिनटों में टेस्टी गजब।